आप सबने कभी ना कभी सूरज की ओर देखा होगा, और जैसे मैंने देखा है आप सबने भी नोटिस किया होगा कि अगर सूरज के सामने बादल आ जाते हैं फिर भी उनकी रोशनी और ब्राइटनेस हम तक पहुंचती ही रहती है। एंड आई थॉट वी शुड बी लाइक सन, नेवर स्टॉप शाइनिंग, नेवर स्टॉप ट्राइंग। हमें आगे ही बढ़ते रहना है, नो मैटर वॉट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, आवर ब्राइटनेस विल बी नोटिस्ड फॉर श्योर। तो इसी नोट पे वेलकम टू अनदर ब्राइट डे ऑफ डिवाइन मॉर्निंग्स विद दीप्ति इन एसोसिएशन विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो सुन लेते हैं पॉजिटिव गुज। टुडे इज 22nd जनवरी 2021 और आज का कलर ऑफ द डे है ग्रीन। ग्रीन को नेचर का कलर कहा जाता है। ये कलर हमें ग्रोथ देता है और इसे देखते ही सुकून मिलता है, और ये कलर हमारी अच्छी हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। दिस इज ऑल्सो द कलर ऑफ मनी, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ग्रीन कलर हार्ट चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आज आप ग्रीन कलर के क्लोथ्स पहनिए या कुछ भी ग्रीन कलर की चीज आपके साथ कैरी करिए, आपको अच्छा लगेगा और आपका हार्ट चक्र भी बैलेंस होगा। तो चलते हैं आज के कार्ड गाइडेंस की ओर। आज का कार्ड है एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। This card is talking to you about option. ये time है आप दूसरी possibilities को consider करने के लिए। If you have been feeling like you are stuck in your current situation, this card is telling you there are other options out there. So आपको सिर्फ possibilities को explore करनी है और आगे बढ़ना है। 2 days ago भी similar card आया था, not an end, it's a then. So, universe is telling us again and again, check the possibilities, look at the options, stay hopeful, stay positive. तो चलते हैं आज की क्रिस्टल की ओर। आज का क्रिस्टल है पिकॉक ऑर। जब बारिश आती है तो कैसे पीकॉक खुशी से नाचता है, उसकी ब्यूटी और हैप्पीनेस दिख के आती है, वैसे ही पीकॉक और क्रिस्टल है। पीकॉक और टीचेस अस हाउ टू एंजॉय द प्रेजेंट एंड लीव फॉर द मोमेंट। ये कहते हैं कि ये क्रिस्टल आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाता है और आपके जीवन में खुशियाँ लाता है। इसे स्टोन ऑफ अपलिफ्टमेंट भी कहा जाता है। It helps to cope up with obstacles and stress. तो आज के सिंबल की ओर चलते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि आज का सिंबल है कैनास। कैनास एक जिबू सिंबल है। कैनास हमारी क्रिएटिविटी को, लर्निंग को, नॉलेज को और टेक्निकल एबिलिटी को एनहेंस करता है। कैनास हमारी ऑरा को भी बढ़ाता है। ये आप ब्लू पेन से अपने हाथ पे ड्रॉ कर सकते हैं या पेपर पे भी ड्रॉ करके आपके पास रख सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं। और आज का अफर्मेशन है आई अलाउ myself टू फिल विद डिवाइन इंस्पिरेशन नाउ। I am inspired and I inspire others in return. तो चलते हैं आज के टिप की ओर।
अभी के सिचुएशन में कोविड का इम्पैक्ट सेल्स और बिजनेस में बहुत हुआ है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास सल्यूशन मांगते हैं फॉर बिजनेस ग्रोथ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूं। अगर बिजनेस एंड सेल्स के प्रॉब्लम से बाहर आना है और सेल्स को इंक्रीज करना है तो आप लोटस फ्लावर यानी कमल के फूल को आप अपने बिजनेस एरिया या शॉप के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं एंड ऑल्सो कैन कीप इट एट होम फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये आपको एवरी फ्राइडे को रखना है और उसके पास दिया या कैंडल जलाना है। ये आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। प्लीज डू लाइक शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आपके क्वेश्चंस और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सो प्लीज डू कमेंट एंड आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो द वीडियो। मिलते हैं कल। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। नमस्ते।